बाल सर से मुअद्दबाना इल्तमास है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अफसाने का उनवान है अधूरी तख्लीक। मैं एक तख्लीककार हूँ, एक नाकाम गुमनाम तख्लीककार। कोई ऐसी तख्लीक मेरे नाम नहीं जिसे शाहकार कहा जा सके। मैंने कहीं सुना या पढ़ा या शायद अपने उस्ताद से सीखा कि कहानियाँ हमारे आसपास मौजूद होती हैं। कहानियों के लिए किरदार चाहिए, किरदार ही कहानियों को जन्म देते हैं। कौन से किरदार? वो जो हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं या फिर तखय्युल में। बहरहाल मुझे किरदारों की तलाश थी ताकि एक कहानी लिख सकूं, एक कहानी जो शाहकार हो। उस रात तबीयत बड़ी बेचैन थी। सिगरेट के धुएं ने फेफड़ों को काला कर दिया है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। उस रात दवाइयों की इजाफी मकदार ली ताकि सुकून की नींद आए। किरदारों को सोचते सोचते किसी पल नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह तड़के नींद टूटी। गुनुदगी की हालत में अपनी कहानी के किरदार की तलाश में निकल पड़ा। चरचराहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला तो सर्द हवा के झोंके से बदन में झुरझुरी सी महसूस हुई। उस वक्त रात जुदा होने से पहले आखिरी बार सुबह से गले मिल रही थी। आसपास के किरदारों पर कई बेअसर कहानियां तख्लीक कर चुका हूं। मुझे नए किरदार की तलाश थी। मैं बस यूं ही गैर मुतय्यन सिम तो निकल पड़ा। नदी पर बने पुल से गुजरते हुए नीचे नजर डाली। नदी किसी बांझ औरत किसी रूदाली की तरह बेआब खुश्क आंखों से अपना दर्द बयान कर रही थी। दुआओं पूजा पाठ और भजन कीर्तन के बाद भी जमीन प्यासी बूंद बूंद को तरसते चरिंद परिंद हैवान और इंसान। उल्मा कहते हैं ये हमारे गुनाहों का नतीजा है और पंडित का मानना है दुनिया में पाप बहुत बढ़ गए हैं। उल्मा पंडित तो गुनहगार और पापी नहीं, फिर ऊपर वाला इनकी क्यों नहीं सुनता? सोचते हुए पुल से गुजर गया। आगे चौराहा था, किस तरफ जाऊं? थोड़ी देर सोचा और दाहिने मुड़कर आगे बढ़ गया। रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। एक लागर जिस्म वाला बूढ़ा शख्स हाथ गाड़ी पर बड़ी बड़ी बोरियां रख के अपनी पूरी कुव्वत लगाकर उसे खींचकर रास्ते पर ऊपर की जानिब आगे बढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जिस्म पसीने में शराबोर। मैंने अपने दोनों हाथों से गाड़ी को आगे की जानिब ढकेलने की कोशिश की, कोई असर ना हुआ। आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों के पी पा पू के बेअंगम शोर शराबे से घबरा कर बूढ़ा मजीद ताकत लगाकर बोझ खींचने की कोशिश करता। ए बेटा, ए भाई, बूढ़ा आदमी है, जरा मदद कर दे, थोड़ा धक्का दे दे। मेरी बात तो क्या सुनते, मेरी तरफ देखे बगैर ही सब आगे बढ़ते गए। एक पागल फटे मैले कपड़ों में मलबूस सर और चेहरे के बेतरतीब बेतहाशा बड़े हुए बाल गर्द गुबार से अटा सरापा वो चलते चलते रुक गया। जिसम से बदबू आ रही थी जैसे कई दिनों से नहाया ना हो। थोड़ी देर उस बूढ़े हम्माल को तकता रहा, कुछ बड़बड़ाया और गाड़ी को पीछे से धक्का देना शुरू किया। मैंने भी धक्का देते हुए मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। उसने मुझ पर कोई तवज्जा नहीं दी। गाड़ी ऊपर चढ़ गई, बूढ़ा आसानी से उसे खींचने लगा। पागल शख्स ने अपने दोनों हाथ आगे की तरफ किए जैसे किसी बाइक का हैंडल पकड़े हो और घुम की आवाज़ निकालता दौड़ते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं बाएं मुड़ गया। सूरज आसमान पर अपने हुक्मरानी का दावा करने की तैयारी में था। फुटपाथ से लगकर बागीचे की दीवार से लगे ऊंचे दरख्तों का साया राहगीरों के लिए फरत बख्श साबित होता। उस जगह कभी कच्चे पक्के मकानात पर मुश्तमिल एक बस्ती हुआ करती थी जहां पेट की आग के बदले जिस्म की भूख का सौदा होता था। बदनाम बस्ती जो किसी बदनुमा दाग की तरह थी उसे मसमार करके उस जगह बड़ा खूबसूरत सा पार्क बना दिया गया है। पार्क की दीवार पर जाली हरफों में लिखा था, कंडोम कब कब, यौन संबंध जब छप। इसे हनीमून पार्क कहा जाता है। सुबह से सहपर समाज के उसूलों और रिश्तों की जंजीरों को तोड़ इश्क मोहब्बत से सरशार जिस्मों की पाकिजगी को पामाल करते आज़ाद परिंदों की ये पार्क महफूज गाह है।
कॉलेज के तुलबा और ऑफिस में जॉब करने वाले मर्द और औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़े गेट से दाखिल होते और बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इनमें अक्सर बदलते समाज के आज़ाद ख्याल लोग थे, जिन्हें कानून ने हक दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी खुलकर अपनी मर्जी के मुताबिक जी सके। पार्क में मौजूद किरदार मेरे किसी मशरफ के नहीं, ये सोच में आगे बढ़ गया। अब सड़क पर ट्रैफिक बढ़ चुका था, सिग्नल मिलने के इंतज़ार में गाड़ियां रुकी हुई थी। फुटपाथ से गुजरते हुए मैंने देखा कि एक जवान काली कलूटी भिखारन गोद में अपने बदन का टुकड़ा उठाए गाड़ियों की खिड़कियों के सिया शीशों के पास खड़ी हाथ फैलाए जा रही थी। एक गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, भिखारन के अध खुले जिस्म पर हवस भरी निगाह डालते हुए मोटे से गोल चेहरे वाले अधेड़ उम्र आदमी ने अपना हाथ बाहर निकाला। कलाई पर महंगी घड़ी और उंगलियों में कीमती अंगूठियों में जड़े नायाब पत्थर और उन उंगलियों के दरमियान फंसा एक रुपये का सिक्का। उंगलियों को हथेली से लम्स किए बगैर भिखारन के हाथ पर उसने सिक्का छोड़ दिया। सिक्का हथेली में दबाए भिखारन दूसरी गाड़ियों की जानी पड़ गई। अतराफ में मौजूद चार पांच भिखारी बच्चे नंगे पैर दौड़ते हुए उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। तब तक सिग्नल उठ चुका था, गाड़ियां घर घर करती आगे बढ़ने लगी। मुझे अपनी आंखों में जलन सी महसूस हो रही थी, दम घुटने लगा, सांस फूलने लगी। दिल में सौदा समाया था, मुझे अपना मकसद हासिल करना था। कुछ देर रुककर सांस पर काबू पाने की कोशिश की और आगे बढ़ गया। बाएं जानिब मुड़कर दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा। उस रास्ते पर आमदोरफ्त तो कुछ कम थी। चलते चलते रास्ते के दरमियान एक बड़ा सा पत्थर नजर आया, गुजरने वाली गाड़ियां उसका शिकार हो सकती है। ये सोचकर फुटपाथ से उतरकर सड़क से पत्थर उठाने के लिए झुका, पूरी कुव्वत लगा दी। पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आखिरी पत्थर इस कदर वजनी कैसे हो सकता है, यह मुझ में सकत ही नहीं। एक शख्स को सामने से गुजरते देखा, मैंने आवाज़ दी, मदद करो भाई पत्थर को रास्ते से हटाने में, कोई हादसा ना हो जाए। भाई अरे सुनो यार, वो आदमी सुनी अनसुनी कर वहाँ से गुजर गया, गोया वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। मैंने एक बार फिर कोशिश की, पत्थर नहीं हटा। थक कर इरादा तर्क कर दिया और पलट कर आगे बढ़ा। थट धड़ाम आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा, एक मोटरसाइकिल पत्थर से टकरा कर दूर तक घसीटती चली गई। मोटरसाइकिल सवार नौजवान डिवाइडर से टकरा कर सड़क के किनारे पड़ा तड़प रहा था। मैं दौड़कर उसके करीब पहुंचा, सर के पिछले हिस्से पर शदीद चोट लगी थी, खून तेजी से बहने लगा। आसपास सवारियां गुजरती जा रही थी। मैं मदद के लिए हाथों को हिलाकर राहगीरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता रहा। लोग जख्मी पड़े शख्स पर सरसरी निगाह डाल आगे बढ़ जाते, किसी ने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी। एक सफ़ेद रंग की कार रास्ते के किनारे आकर ठहर गई। कार का दरवाज़ा खुला, एक मुहज्जब सा नजर आने वाला शख्स नीचे उतरा। उसके गले में शनाख्ती कार्ड लटका हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, ऊपर वाला इसका भला करे, शायद एम्बुलेंस को फ़ोन करने वाला हो। मगर बड़े इनमाद के साथ उसने जख्मी पड़े शख्स के तड़पते बदन की मोबाइल में तस्वीर उतारनी शुरू कर दी। ए भाई एम्बुलेंस को कॉल कर दे प्लीज़। मगर जैसे मेरी कपकपाती आवाज़ उस तक नहीं पहुँच सकी, वो वापस कार में बैठा और कार आगे बढ़ गई। अब तक कुछ लोग आसपास जमा हो चुके थे, इनमें अक्सर तड़पते फड़कते जिस्म को मोबाइल में कैद कर रहे थे। जख्मी पड़े शख्स के जिस्म की हरकत धीमी होती गई। जख्मी अध मरे जिस्म ने एक जोर का झटका लिया और फिर साकित हो गया। उसकी आँखें खुली हुई थी, जिस्म से रास्ता खून सड़क पर बहता रहा और फिर जमने लगा। मेरा सर चकराने लगा, उबकाई आने लगी। मैं किसी तरह खड़ा हुआ और भारी कदमों से आगे बढ़ गया। मेरे कदम दाएं बाएं होने लगे। अब मैं अपने घर वापस लौटना चाहता था, किस तरफ जाऊं कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था। मैं अपने ही घर का रास्ता भटक गया। क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशान लग रहे हो, सामने से आ रहे राहगीर ने रुक कर मुझसे पूछा। चौंक कर मैंने उसकी जानिब देखा, कई बार पलकों को भेज कर खोला और बंद किया। उसका चेहरा धुंधला नजर आ रहा था, जैसे आईने पर ओस जमी हो। भाई मुझे अदमपुर जाना है, आगे वाले सर्कल से घूमकर थोड़ा चलने के बाद एक और सर्कल मिलेगा, उसका चक्कर लगाकर चंद कदम चलकर दाएं मुड़ जाओ, आगे एक नदी के ऊपर पुल पार करने के बाद तुम अदमपुर पहुंच जाओगे।
अजनबी का शुक्रिया अदा किए बगैर ही मैं अपनी राह हो लिया। नदी में तुगयानी आई हुई थी। पुल से गुजरते हुए नदी के पानी का शोर सुन मैं सहम गया। नदी पुल को खुद में समो लेने के लिए बेताब हुई जा रही थी। शोर मचाता, उछलता कूदता, इंसानों की बर्बादी की दास्तान बयान करता दरिया का पानी अपने साथ जिंदा मुर्दा जानवरों के जिस्म, लकड़ियाँ, कपड़े और दीगर मलबा बहाए लिए जा रहा था। मुअत्तल कदमों से पार पुल पार करके अपने महल्ले और फिर गली में पहुँचा। अपने मकान के पास लोगों की भीड़ ने थके भोजल दिमाग को मुतफक्किर कर दिया। भीड़ को चीरता हुआ दरवाजे तक पहुँचा। पलंग पर एक बेजान जिस्म पड़ा हुआ था, सफ़ेद चादर से ढका हुआ। मैं नहीं आवाज़ से चीखने लगा, क्या हो गया, ये किसकी लाश है? कोई जवाब नहीं मिला, हत्ता के किसी ने मेरी जानिब देखा भी नहीं। घर के लोग लाश के आसपास गमजदा चेहरों के साथ बैठे नजर आए। मैं बेचैन उठा। पड़ोस की दो औरतें अंदर दाखिल हुई। लाश के करीब बैठी एक बूढ़ी औरत ने लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया। मैं लरज उठा, ये तो मैं हूँ, यह मैं कैसे हो सकता हूँ? अपनी कुव्वत यकजा कर कर मैं चीखने लगा, मैं जिंदा हूँ, ये देखो यहाँ तुम्हारे सामने। मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय मेरे। मेरी आवाज़ धीमी होती जा रही थी। अब मुझ में चीखने की सकत भी ना रही। मैंने अपने वजूद को पिघलता हुआ महसूस किया और फिर गोया फजा में तहलील होने लगा। यकलक मेरे वजूद का बचा कुचा हिस्सा सामने मुर्दा पड़े जिस्म में समोता हुआ महसूस हुआ। मैं मर चुका हूँ। मेरा तखय्युल और बेशुमार किरदार अब भी जिंदा है, मगर मेरा शाहकार नामुकम्मल, मेरी तख्लीक अब भी अधूरी है। शुक्रिया। अजमत साहब का यह अफसाना अधूरी तख्लीक। जब तक के फनकार ना मुतमईन रहता है, जभी तक वो फ़न के लिए कोशिश करता है। अधूरी तख्लीक के अंदर अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले आ रहा था जब यहाँ पर, तो मैंने एक नावल पढ़ रहा था, उसमें एक जगह ये लिखा हुआ था कि आल्टो मौत पर फतेह पाने का नाम है। आल्टो मौत पर फतेह पाने का नाम है, वही इस कहानी में महसूस हुआ। और कहानी कहने का जो अंदाज़ है, इकबाल साहब का जो बयानियाँ हैं, वो बहुत अच्छा, बेहतर, और एक उनकी एक अपनी ज़बान है। उन्होंने एक अपनी ज़बान, अपना उसलूब इख्तियार किया है, जो धीरे 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 चलता रहता है और ना बोरिंग महसूस होती है, ना कुछ महसूस होती है। एक बयानियाँ, एक सादा सरल बयानियाँ, लेकिन आखिरी में जब वो ला के जो उन्होंने टचस दिया, वो मुझे बहुत मुतमईन किया। माइकल एंजेलो बोलो या दुनिया के तमाम आर्टिस्ट बोलो, जब तक ना मुतमईन है, जब ही तक उनके वहाँ तख्लीक का सोता फूटते रहता है। जिस वक्त जो फनकार अपने आप से मुतमईन हो गया, वो वहाँ बांझ हो जाता है, वो वहाँ ख़त्म हो जाता है, वो उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी बहुत अच्छी है, क्लाइमेक्स मुझे बहुत चौंकाने पर मजबूर किया, और उसी बिना पर मैं यहाँ खड़ा हूँ।